अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हशाम एडवाच टेक्निकल एक्सपर्ट में। तो आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि आप किस तरह अपनी वीडियो का बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं कैप कट के जरिए। अब ये सारा काम किस तरह करना है, क्या प्रोसीजर होगा, क्या आप भी कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो ही कर सकते हैं, अदरवाइज आपको शायद ना पता चले कि आपने किस तरह क्या कहाँ से क्या और क्या क्या करना है। तो इस वीडियो को फिर तफसील से और तरतीब से शुरू करते हैं। मोबाइल फोन की स्क्रीन पर जाते हैं, वहाँ से हम कोई भी अपनी वीडियो को उठा के उसका बैकग्राउंड ब्लर करके आपको बताते हैं। तो चलिए फिर मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे। तो जी, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले आपने काम ये करना है कि आपने कैप कट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से कर लेना है जी डाउनलोड। मैंने डाउनलोड की है, इसको हम करते हैं जस्ट ओपन। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। न्यू प्रोजेक्ट पे आपने करना है क्लिक। यहाँ से आपने जो वीडियो को एडिट करना है, जो भी उसका ब्लर करना है, उसको आपने यहाँ से कर लेना है इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की वीडियो आ जाएगी, इसको हम कर देते हैं। यहाँ से हम स्प्लिट, इसको करते हैं डेल। इतनी वीडियो की हमें फिलहाल ज़रूरत है, तो इसको हमने एडिट करना है। नेक्स्ट काम हमने ये करना है कि यहाँ पे आपको इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, EWFECTS। इफेक्ट पे हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आगे ट्रेंडिंग, उसके आगे बेसिक पे क्लिक करेंगे तो नीचे तीसरी या चौथी लाइन पे आपको मिल जाएगा ब्लर, BLUER। तो यहाँ पे हमारे पास है BLUER, ब्लर। ब्लर वाले ऑप्शन पे हम करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद इसको हमने अपनी पूरी वीडियो पे करना है सर अप्लाई। इसको यहाँ से हम क्रॉप करके सारी वीडियो पे कर देंगे जी अप्लाई। अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट काम हमने क्या करना है जी, नेक्स्ट काम हमने ये करना है कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ओवरले। ओवरले पे हम क्लिक करेंगे, ऐड ओवरले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसी वीडियो को हमने दोबारा फिर इम्पोर्ट करना है। इम्पोर्ट करने के बाद ओवरले इम्पोर्ट ऐड, ये हमारी वीडियो हो गई जी ओवरले। यहाँ पे इतनी वीडियो को हम दोबारा फिर कर देते हैं जी कट। यहाँ से इसको करते हैं जी स्प्लिट, इसको करते हैं यहाँ से डेल। डेल करने के बाद अब ये आपके सामने ऑप्शन आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है सर, नेक्स्ट हमने ये करना है कि उस वाली वीडियो पे हमने करना है टैब। टैब करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड पे हमने करना है क्लिक। नीचे वाला बैकग्राउंड आपका होगा जी रिमूव। अब इसको आपने करना है सेट अपनी वीडियो के हिसाब से, बिल्कुल इस तरह करके, ठीक है जी। अगर कोई कमी बेशी रहेगी तो आपने उसको बिल्कुल एडजस्ट करना है अपने हिसाब से, तसल्ली के साथ। तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड या इंटरबोर्ड या जो वीडियो एक्सपोर्ट होगी आपके सामने आएगी, तो उसका कुछ ये सिनेरियो होगा। आई होप कि आपको समझ लग गई होगी कि आपने ये सारे का सारा काम किस तरह करना है। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको तो समझ लग गई होगी कि आपने किस तरह बैकग्राउंड ब्लर करना है अपनी वीडियो का। तो आई थिंक आपको शायद कभी ना कभी ये लगा कि फलां दोस्त जिगर जान का टोटा, उसको भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, वो भी वीडियो एडिटिंग का शौक रखता है। तो इस वीडियो को फिर आपने उसके साथ लाजमी शेयर करना है। वो कहते हैं ना कर भला सो भला, तो वही काम आपने कर रहे हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपने रखना अपना बहुत ज़्यादा ख्याल और मुझे रखना अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।